सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कराची ब्लॉगर काशिफ अंसारी। तो भाई इस वक्त आ गए अल हबीब मोटर पे। तो भाई कुछ नई गाड़ियां हमने ऐड की हैं, गाड़ियों के रेट्स भी अच्छे हैं और गाड़ी की कंडीशन भी बहुत प्यारी है। तो दिखाएंगे, सबसे पहले मिलवाते हैं हम आपको अपने आदिल भाई से। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या खैरियत से? अल्लाह के शुक्र आदिल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। भाई हमारे पास कुछ और यानी कि लोगों की कुछ कॉल वॉल आई थी कि आदिल भाई के यहाँ कुछ शोरूम पे नई गाड़ी आई है तो दिखाई जाए, तो हम जी जी बिल्कुल हमारे पास आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आदिल भाई रेट्स पहले बताएं, पहले की तरह अच्छे हैं हमारे रेट्स? बिल्कुल अच्छे हैं, अगर अच्छे नहीं होते तो फिर हमारे पास कोई आता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यूट्यूब चैनल से काफी दोस्तों ने हमारे साथ जो है कॉन्टेक्ट किया, हमने गाड़ियाँ दी भी है। बिल्कुल हम मिलाएंगे, वीडियो में ला के दिखाएंगे अपने दोस्तों को, कि जो दोस्त यार हमारे आते हैं डीजी खान से और पंजाब वगैरह की साइड से, तो आपको दिखाएंगे। तो भाई वीडियो शुरू कर लेते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए व्यूअर्स वीडियो शुरू करते हैं। बस अल्टस ग्रैंडी 2023। तो भाई गाड़ी पहले आपको दिखा दूँ, सनरूफ गाड़ी है, गाड़ी का शाइन बहुत प्यारा है भाई। तो डिटेल तो मैं लूंगा आदिल भाई से, पहले आपको दिखाऊँ रूफ विंडो स्क्रीन बोनट बम्पर हेडलाइट फ्रंट जाली। अच्छा किसी किस्म का माशाल्लाह कोई गाड़ी पे डेंट नहीं है, मामूली से अगर कोई स्क्रैचेज हुए तो भाई वो होंगे। तो डिटेल लेते हैं हम अपने आदिल भाई। ये गाड़ी जो है 2023 के सितंबर की गाड़ी है, इस पर कोई भी स्क्रैच नहीं है क्योंकि 2200 किलोमीटर चली हुई है और बिल्कुल जीरो मीटर गाड़ी है, ठीक है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन इसकी हुई भी है सितंबर में, और गाड़ी आप चेक कर लें वीडियो में, माशाल्लाह से बिल्कुल प्यारी गाड़ी है। चलते हैं भाई गाड़ी की तरफ, देख लेते हैं गाड़ी, तो आदिल भाई दिखा देते हैं हम जी ले लेते हैं भाई। ये देखिए भाई, अच्छा रूफ से ही स्टार्ट लेने, तो भाई देखिए सन रूफ गाड़ी, फीचर सारे ऑन। अच्छा अगर हम स्क्रीन की बात करें तो भाई स्क्रीन की कंडीशन भी हमारी अच्छी है, ब्रेकेज कोई नहीं है, मामला गाड़ी के बड़े साफ सुथरे हैं। तो ये देख सकते हैं भाई फेंडर वेंडर का लुक, फ्रंट देख लें। चलते हैं साइड की तरफ, तो साइड से भी आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देते हैं। तो आज जी साइड की तरफ चलते हैं भाई, यहाँ से देख लेते हैं गाड़ी के मामला। तो भाई साइड वगैरह अगर हम देखें तो बिल्कुल हमारी क्लियर है और माशाल्लाह माशाल्लाह कोई डेंट नहीं है गाड़ी पे। अच्छा एलॉय रिम पे गाड़ी है, तो भाई ये देखें एलॉय रिम पे गाड़ी, एलॉय रिम माशाल्लाह बहुत स्मार्ट किस्म के, और टायर हमारे 100% के भाई। आ जाते हैं भाई फुट बैरी की मेन बात कर लेते हैं, फुट बैरी पे कोई रस वस नहीं है। अच्छा माशाल्लाह कोई भाई कोई स्क्रैच मुझे इस साइड पे तो नज़र नहीं आया। बढ़ते हैं और देख लेते हैं गाड़ी, तो चले जी जगह थोड़ी सी यहाँ पर तंग है तो, लेकिन इंशाल्लाह काम हमारा हो जाएगा। ये है सिलसिला, यहाँ से दिखाते हैं, अभी डिग्गी विग्गी भी खोल के हम आपको दिखाएंगे, बोनट भी दिखाएंगे। तो भाई पहले बाहर से गाड़ी का एक लुक दिखा देते हैं, देख सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह ये देखें भाई, अभी स्टिकर भी बिल्कुल लगे हुए हैं। तो आदिल भाई कंपनी वाले स्टिकर है या हमारे लाए हुए? जी जी कंपनी के स्टिकर सही है, जो लगे हुए हैं वही लगे हुए हैं। तो और क्या चाहिए आपको? भाई इंजन विंजन भी दिखा देते हैं, पहले ये वाली साइड दिखा दूँ आपको। ये देखें गाड़ी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी कंडीशन में भाई, ये है बेहतरीन कंडीशन। चलिए जी इंजन खोल लेते हैं गाड़ी का। तो भाई इंजन खुल चुका है, कंडीशन आप देखें भाई धुली हो रही है कंडीशन माशाल्लाह। अच्छा पंचेस, ये हर जॉइंट देखें आप, हर जॉइंट माशाल्लाह अपनी जगह पे। और ये हमारी फ्रंट पट्टी की कहानी देख सकते हैं, वो भी अच्छी है। अच्छा बैटरी देखें, बिल्कुल नई बैटरी। अच्छा सारी बात ये कि भाई जो जो नट बोल्ट वगैरह स्क्रू आपको नज़र आ रहे होंगे, हर चीज़ अपने शाइन में, और हर चीज़ जो है गाड़ी की क्वालिटी आपको यकीनन नज़र आ ही रही होगी। देखें भाई फ्रंट पट्टी देख सकते हैं। अच्छा अब इस साइड से दिखाते हैं आपको डोरियों वोरी की कंडीशन, तो बहुत प्यारी कंडीशन डोरियों की। ये देखें भाई इस साइड से हम माउंटेन वगैरह जहाँ तक चेसिंग आ रहा है वो भी देखें। अच्छा ये कूलेंट है ना मेरे भाई? जी जी ये कूलेंट कंपनी का जो पानी है वो अभी तक डला हुआ है, कंपनी का पानी अभी तक डला हुआ है। जी जी ठीक है, तो भाई ये हो गया लुक। अच्छा शील्ड भी सीधे मिले जितनी भी लगी हुई है, पैकिंग सब कंपनी की है। आ जाए आप अंदर इंटीरियर देख ले गाड़ी का, इंटीरियर बड़ा प्यारा दिया है इसका। जी आ जाए गाड़ी का इंटीरियर देख ले, इंटीरियर बड़ा माशाल्लाह जी 2023 का इंटीरियर ब्लैक कलर में, देख ले आप अंदर से जो है माशाल्लाह से इसके फीचर्स वगैरह भी बड़े जबरदस्त है। उसके अलावा देखिए भाई हमने आपको डोर दिखाया, डोर की कंडीशन माशाल्लाह बड़ी प्यारी, हर चीज़ जो है लुक में है। अच्छा पिलर भी देख लें, तो भाई पिलर की कंडीशन भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें पिलर का लुक। अच्छा अब आप ये देखें भाई पन्नी वन्नी हर चीज़ पे जो है ना वो चढ़ी है, थोड़ा सा इन्होंने सीटों से शायद पन्नी हटाई है। अब आप लुक देखें, डैशबोर्ड का लुक माशाल्लाह बहुत प्यारा। अच्छा सारे पैनल वैनल हर चीज़ ओके, सारे फीचर्स वर्किंग में। भाई ये देखें आप डैशबोर्ड की कंडीशन, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ हर चीज़ शाइन में। सीटों की बात हो रही तो सीटों का
लुक बड़ा प्यारा है हमारा। अच्छा मैटिंग वेटिंग बड़े प्रॉपर तरीके से हुई हुई है, थोड़ी सी लाइट यहाँ सूरज की ज़्यादा आ रही है। अच्छा अब हम बात करते हैं छत की, तो छत की कंडीशन देखते हैं भैया। छत वत की कंडीशन भी हमारी अच्छी है, पिछला डोर खुल चुका है। अच्छा अब हम बात करते हैं पिलर वगैरह की, तो पिलर की कंडीशन हमारी बड़ी माशाल्लाह। ये देखें गोले वगैरह, तो जैसे कि मैंने बताया सीटों पे अभी तक पन्नी चढ़ी हुई है, तो ये देख सकते हैं भाई हेडरेस्ट हैंडरेस्ट वगैरह बेल्ट वेल्ट सब ओके कंडीशन है। किसी किस्म का गाड़ी में माशाल्लाह कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई ये लुक है, इंजन हमने दिखा दिया। आदिल भाई से लेते हैं गाड़ी की डिटेल्स। गाड़ी का मॉडल और रजिस्ट्रेशन हमने आपको बता दी, ये ग्रैंडी अल्टस है और इसके जो फाइनल डिमांड है 79 लाख रुपीस है। इस टाइम पे इनवाइस आ रही है 75 लाख की, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ 80 की पड़ जाती है गाड़ी। इसके अलावा गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर है समझे, क्योंकि 2200 किलोमीटर कुछ भी नहीं चली हुई 2 महीने में। और बाकी गाड़ी की जो है हमने आपको वीडियो में दिखा दी कंडीशन। कंडीशन यही है कि यानी आदिल भाई ये समझते हैं कि रनिंग करने के बाद बस वो डबल रोटी और सौदा वौदा लेने जाओगे। बिल्कुल बस यही हुआ है। तो भाई इतनी गाड़ी चली है, बाकी गाड़ी आप चलाएं और एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके अभी अगली गाड़ी पे आते हैं। चलिए जी अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं। आदिल भाई कौन सी गाड़ी है? 2019 GLI। ये वाली? जी जी। तो भाई ये 2019 की GLI है स्पेशल एडिशन, और गाड़ी पूरी जेन्युइन है अंदर बाहर से, और माशाल्लाह से कंडीशन अच्छी। हल्के फुल्के स्क्रैचेस होंगे क्योंकि 3-4 साल हो गए गाड़ी को निकले हुए, लेकिन बाकी गाड़ी प्यारी है माशाल्लाह से। अपना इंजन और बड़े प्यारे ऑप्शन में चेक कर लें आप वीडियो में देख। तो भाई ये देखते हुए चलते हैं बैक स्क्रीन वगैरह। अच्छा स्क्रीन वगैरह में माशाल्लाह हर चीज़ जो ओके कंडीशन है, कोई ब्रेकेज नहीं है। अगर ब्रेकेज होगी तो वो भी दिखाएंगे। छत वत का शाइन माशाल्लाह बहुत प्यारा है, पूरी गाड़ी का शाइन आप ले लें भाई। तो हम दिखाते हैं पहले आपको फेंडर वेंडर टायर, टायर भी माशाल्लाह हमारे अच्छे लुक में भाई, हमारे 100% तकरीबन टायर है, व्हील कैप पे गाड़ी है। अच्छा अब हम बैक डोर फ्रंट डोर देखते हुए चलते हैं क्या कह रही है गाड़ी। तो भाई ये देख लें ये लुक है हमारे फेंडर वगैरह का। अच्छा ये हो गया भाई हमारे फुटबेरी का लुक, तो फुटबेरी का लुक भी हमारा ओके। अच्छा रूफ और जनाब ये हो गया पिलर का लुक, बोनट का लुक, तो भाई बोनट का लुक भी देख लेते हैं। ये देखें भाई बोनट, बोनट का लुक भी हमारा बड़ा फाइन है। अच्छा इस साइड की बात करें तो भाई इस साइड का लुक भी हमारा बेहतरीन है। तो यहाँ से ले लें ये देखें भाई। अच्छा व्हील कैप पे गाड़ी, टायर मैंने बताया टायर भी तकरीबन हमारे अच्छे लुक में, न्यू टायर है, बहुत कम यूज़ हुए टायर और यानी ख्याल से चली हुई गाड़ियाँ भाई। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ होती है ना, तो वो अच्छे ही लुक में आपको इंशाल्लाह मिलेंगी, और इंशाल्लाह उसमें काम नहीं होगा तो जो डिटेल होंगी है, जेकर किसी में काम होगा तो हम वो भी डिटेल आपको बताएंगे। तो भाई अंदर से देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं बोनट, तो व्यूअर्स आपको दिखाते हैं भाई इंजन की कंडीशन ये देखें। अच्छा डोरियाँ वगैरह, माउंटेन वगैरह का लुक, तो माउंटेन वगैरह का लुक भी देखें। अच्छा ये गाड़ी हमारी जो है ना बगैर सर्विस के खड़ी हुई है, यानी कि जिस तरह गाड़ी आई आदिल भाई ने इसी तरह आपको गाड़ी दिखाई, और वो कह रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ ऐसे भी होनी चाहिए ना कि जो बिल्कुल नेचुरल लुक में हो, वो भी गाड़ियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। तो वही देख सकते हैं पंचेज वगैरह माशाल्लाह सब ओके की कंडीशन। अच्छा ये देखें जहाँ तक चेसिस वगैरह आ रहे हैं, तो चेसिस वगैरह का लुक, और जनाब ये हो गया हमारा जितनी भी पैकिंग वैकिंग लगी है कंपनीज की सब ओके कंडीशन है। बैटरी देखें भाई, पहले आप बैटरी देख लें, बिल्कुल ओके कंडीशन, तकरीबन नई बैटरी। ये देखें दूरियाँ देख लें भाई, थोड़ी सा मामूली सा हाँ बस ये हुआ है। अच्छा ये देखें भाई कह रहे हैं कि माउंटेन वगैरह दिखाया, तो मैंने दोबारा से आपको दिखा दिया, हर जॉइंट जो अपना ओके ही कंडीशन है। तो भाई डोर खुल रहा है आदिल भाई, ये आ जाए गाड़ी की जो है अंदर से आपको इंटीरियर दिखाते हैं। ये इंटीरियर में आया माशाल्लाह से, बहुत प्यारा इंटीरियर है, और ये गाड़ी है 1.3 मैनुअल गियर। डोर वोर दिखाएं भाई? हाँ दिखा भाई, डोर वोर देख लें आप, पंचेस देखें हम, मेरे कहने की क्या मेरे तारीफ करने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी खुद बताएगी कि जो गाड़ी ऐड कर रहा हूँ वो क्या कह रही है। इंटीरियर देखें, अच्छा इस पर भाई कवर चढ़ा हुआ है फॉर सेफ्टी, क्योंकि यहाँ हमारे शोरूम में माशाल्लाह धूप का इंतजाम भी बड़ा अच्छा है, धूप काफ़ी टाइम यहाँ रहती है, मगरब से पहले ही बस थोड़ा धूप जाती है यहाँ से। तो भाई ये देख लें, अच्छा ये हो गया हमारे सब पिलर विलर लुक है, मैनुअल गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ, कंसोल वगैरह लगा हुआ है सब। कितने किलोमीटर चली हुई आदिल भाई? 97,000 किलोमीटर। अच्छा पीछे से भी देखते हैं गाड़ी हमारी क्या कहती है। तो भाई अगर हम देखें गोले वगैरह की कंडीशन और जनाब ये पिलर वगैरह की, तो ये कंडीशन आपके सामने। अच्छा पिछले डोर का लुक भी आपको दिखा, ये लुक है, सीटें वीटें सब देख सकते हैं हम, सीटों वगैरह का लुक, तो अच्छे लुक में प्यारे लुक लग रहा है। फोन और जनाब ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ये देख सकते हैं आप, एड्रेस वगैरह मैटिंग प्रॉपर तरीके से।
तो भाई ये लोग छत भी दिखा दूँ, छत वत का लोग हो गया, डिग्गी देखते हैं। तो व्यूअर्स डिग्गी खोल दिए भाई, डिग्गी की कंडीशन भी आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप दूरियाँ वगैरह भाई, लुक आपके सामने, इंजॉय करें। ये देखिए भाई बोर्ड वोर्ड भी हटा के चेक कर लेते हैं क्या कह रही है गाड़ी। ये देखें भाई, मैंने बताया सिर्फ गाड़ी को एक सर्विस चाहिए और इंशाल्लाह सर्विस के बाद जो है ना वो गाड़ी खुद अपनी कंडीशन आपको बताएगी। तो भाई ये लुक है, रख दें आदिल भाई। तो भाई बात कर लेते हैं आदिल भाई से रेट की। ये गाड़ी के प्राइस की बात करते हैं हम, मॉडल हमने आपको बता दिया 2019 की GLI है मैनुअल ट्रांसमिशन में, और गाड़ी की लुक्स आपने देख ली वीडियो में माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। हल्के पुल के स्क्रैचेस आपको पता है 3-4 साल में कराची शहर में लाजमी आ जाते हैं, और उसके ट्रैफिक बहुत है। उसके अलावा इसकी प्राइस की हम बात करते हैं तो प्राइस इसकी है 38 लाख, लेकिन आपके व्यूवर्स के लिए फ़ाइनल इसकी रेट 36 लाख रुपये में हम ये फ़ाइनल देंगे। और माशाल्लाह ये डीलर रेट है, क्योंकि ये अगर आप मार्केट में जाएं तो रेट पता करें 40 लाख से कम के कोई नहीं मांग रहा 19 के GLI के। अभी हम बात करते हैं 2012 की GLI 1.6 ऑटोमेटिक में, माशाल्लाह से बहुत प्यारी गाड़ी आई, और ये गिनती के 100 गाड़ियों में कोई एक गाड़ी आती है, और गाड़ी रेड वाइन में बड़ी प्यारी माशाल्लाह से, और चट डिग्गी बोनेट इसकी जेन्युइन है, बाकी हल्की पुल्की टचअप है, वैसे तो पता नहीं चलता लेकिन हम क्लियरली इसलिए बताते हैं ताकि जो है ना सामने वाला आसानी से जो है ना मतलब समझ जाए गाड़ी को। उसके अलावा आप गाड़ी वीडियो में देख लें, उसके बाद हम प्राइस की बात। भाई व्यूअर्स गाड़ी आपको दिखा दें, रूफ वूफ देख सकते हैं, अच्छा पिलर की कंडीशन, तो पिलर की कंडीशन भी आपको दिखा देते हैं। देखें रूफ पिलर, अच्छा अब हम बात करते हैं फेंडर वगैरह की, तो फेंडर वेंडर का लुक भी फाइन है भाई। सारी बात यह है कि आदिल भाई जो है ना बिल्कुल अथेंटिक बात करते हैं, यानी जो गाड़ी में काम होगा वही बता देंगे, जो प्रॉब्लम्स होगी वही बता देंगे। तो भाई ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि बंदा ईमानदारी से अपनी चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों बयान कर रहे थे। तो भाई ये वाली बात हो गई फ्रंट की हमारी, अब हम चलते हैं साइड की तरफ। इस साइड से साइड देख ले भाई हमारी, तो ये साइड का लुक देखें। अच्छा माशाल्लाह गाड़ियाँ इतनी है ना कि यहाँ थोड़ा सा वीडियो बनाने में हमें पूरी जगह नहीं मिल पाती, लेकिन भाई बात ये कि गाड़ियाँ ही दिखानी है आप लोगों को, और इंशाल्लाह अच्छी गाड़ियाँ दिखानी है आप लोगों को। तो भाई कुछ भी हो, जगह तंग हो, कुछ हो, इसको हम बनाएंगे। ये लुक है, देख सकते हैं आप फेंडर वेंडर, टायर माशाल्लाह हमारे, टायर की बात कर लेते हैं भाई, टायर हमारे 100% है ग्रुप, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा इस साइड से स्क्रीन वगैरह देख लें भाई आप, तो ये लुक हो गया बहुत ही यानी कि फ्रेश लुक गाड़ी का। कहीं कहीं कोई कोई स्क्रैच आया हुआ है तो भाई वो तो आम सी बात है, जितना ट्रैफिक यहाँ हो गया है ना, तो भाई गाड़ी आप शोरूम से लें। मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि मैं कहता हूँ 2-3 महीना भी गाड़ी खैरियत से चल जाए ना तो बड़ी बात है, आप जितना भी अच्छा ड्राइव कर लें, कितनी केयर से ला लें, लेकिन दूसरे भाई साहब जो होते हैं ना वो टच करके ही निकल जाते हैं। तो ये है बहरहाल, अल्लाह ताला सबको बचाए, अंदर से भी दिखाऊँ गाड़ी आप। तो अभी बस बात कर लेते हैं डोर की, डोर वोर का लुक देखें आप, तो ये है लुक। अच्छा हम बात करें अगर जनाब डोर पैनल वगैरह की, तो बहुत ओके की कंडीशन है, ज़बरदस्त लुक में, स्क्रैचेस वगैरह नहीं, कहीं से कटा पटा मामला नहीं। अच्छा अगर हम बात करें पिलर की, तो पिलर का लुक भी आप देख लें। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की, स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन ओके, डैशबोर्ड माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा डैशबोर्ड है भाई, ये देख लें। पैनल वैनल एसी वेसी हर चीज़, जितने भी फीचर्स हैं गाड़ी के तकरीबन तमाम ऑन है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं साइड से दरवाज़ों की, तो दरवाजे देख लें आप, पिलर की कंडीशन, छत की कंडीशन, तो अच्छे लुक में, एड्रेस, सीट हमारी, तो भाई फोन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। अच्छा बैक से भी देख लेते हैं गाड़ी क्या कह रही है, व्यूअर्स बैक डोर खुल चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा अब हम बात करें अगर भाई पिलर विलर की, तो जहाँ तक आपको हम पिलर दिखा सकते हैं वो दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं पिलर की कंडीशन। अच्छा अब आ जाते हैं ये देखें गोले का लुक, तो भाई गोले वगैरह का लुक भी हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं भाई सीटों की, सीटों का लुक देख लें आप, तो सीटों का लुक भी हमारा नॉर्मल है। ये इनर लुक हो गया, चलते हैं भाई इंजन रूम की तरफ, तो इंजन रूम से देख लेते हैं गाड़ी हमारी क्या कह रही है। तो भाई ये देखिए बोनेट खुल रहा था हमारा, खुल गया बोनेट हमारा, ये देखें भाई। अच्छा माउंटेन वगैरह का लुक, हर चीज़ देखें, जॉइंट वॉइंट देखें, पंचेस देखें, ओके की कंडीशन है बिल्कुल। तो ये गाड़ी भी हमारी फ़िलहाल सर्विस नहीं हुई हुई है, अभी हम आखिरी में अपने एक ऑफ़र भी जो है वो भी दिखाएंगे आपको, बताएंगे ऑफ़र के, ऑफ़र जो है अभी तक चल रही है भाई हमारी, तो आदिल भाई खुद ही बताएंगे अभी।
तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा चेसिस जहाँ तक भाई आपको नजर आ रहा है वो भी देख ले, माशाल्लाह इसमें सामान ही इतना होता है कि चेसिस दिखता नहीं आसानी नहीं नजर आता है। तो ये आप ये देखिए, अच्छा जितने भी यानी कि आप ये कह लें सीले पंचेज वगैरह हर चीज गाड़ी की बिल्कुल ओके कंडीशन में ही देखे भाई। बोनट का लुक देख रहे हैं, इससे अंदाजा हो जाएगा आपको। तो ये लुक है, डिग्गी भी दिखाते हैं आपको भाई। रेड वाइन कलर में गाड़ी है, ये देख सकते हैं आप सारे जॉइंट्स वगैरह। तो ओके की रिपोर्ट, अच्छा आप भी ये देखे भाई। तो ये लुक हो गया, डिटेल आदिल भाई से लेते रहते हैं। आदिल भाई जरा डिटेल्स दे दिए जब तक मैं डिग्गी दिखा रहा हूँ। डिटेल्स 2012 की GLI 1.6 ऑटोमेटिक और मैनुअल, इसमें ऑटोमेटिक और पावर विंडोज, इसके अलावा पावर स्टीयरिंग। माशाल्लाह से गाड़ी की कंडीशन आपने देख ली है। इसकी फाइनल प्राइस जो है 28 लाख है। उसके अलावा भी हम कंसेशन कर लेंगे, बाकी भी कम कर देंगे गाड़ी में जो भी हमारे कस्टमर आएंगे यूट्यूब की तरफ से। उसके अलावा आते हैं हम दूसरी गाड़ी पे, 2006 की करोला है, नंबर 7 का लगा हुआ है लेकिन मैनुफेक्चर 6 की है, तो हम 6 की बताएँगे। एक सलाई है, आप ये देख लें, ये बड़ी प्यारी गाड़ी, वाइट कलर। तो ये 2006 की करोला XLI 7 का नंबर लगा हुआ है। माशाल्लाह से चट डिग्गी बोनेट टोटली जेनवन है, बाकी हल्की फुल्की टचअप है साइडों में से, इसमें भी अंदर से पूरी जेनवन है गाड़ी। और गाड़ी में अपना इंजन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, जिससे हमने लिए उसी के नाम पे थी। और गाड़ी आप देख ले माशाल्लाह से, कंडीशन पर बताते हैं आपको प्राइस। उसके अलावा जो है गाड़ी में सिर्फ छोटा सा काम ये है कि इसकी विंड स्क्रीन जो है उस पर बाल आ गए, पत्थर वगैरह लग गया था बच्चों से, तो उसी का जो है बस काम है। 10-12 हज़ार रुपए का खर्च है, वो जो लेंगे वो अपना खुद ही कर लेंगे। लेकिन छोटे रूट पे तकलीफ नहीं करता, लेकिन नहीं, जब नहीं, हम आउटसाइड आउट ऑफ सिटी जाएंगे जब तो चेक करेंगे, थोड़ा सा जो है ना दिल में डर रहता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। लॉन्ग रूट पे भी कुछ नहीं है। तो भाई दिखा देते हैं आपको रूफ वगैरह, विंडो स्क्रीन जो बात होती है साफ करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल आपको सही बताया कि भाई स्क्रीन पे जो है वो लाइन है। तो ये देख लें, इंशाल्लाह छोटे रूट पे तो गड़बड़ नहीं करता, लॉन्ग रूट पे बस थोड़ा सा वही दिल को डर रहता है, तो चेक करा लिया करें कि भाई क्या कंडीशन है, चेंज होना तो चेंज करा लें। जब माशाल्लाह आप इतनी अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, ये सब चीज़ें बड़ी माइनर सी होती हैं। ये देख लें भाई, टायर की बात करें तो टायर माशाल्लाह हमारे भाई 95% टायर हैं इस गाड़ी के। अच्छा बात कर लेते हैं फुट बैरी की, फुट बैरी का लुक देख लें तो भाई फुट बैरी का लुक भी हमारा बड़ा प्यारा है। ये डोर बोर अब आप देखें, जो मैं कह रहा हूँ ना जगह यहाँ पर थोड़ी सी तंग है, लेकिन इंशाल्लाह बनाएंगे। उसमें कैमरा भी रह जाते हैं, थोड़ा सा मूव होता है। ये देखें, अच्छा चलते हैं भाई, डिग्गी विग्गी भी चेक कर लेते हैं गाड़ी की। फेंडर को मैंने आपको दिखा दिया, तो प्यारे लुक में गाड़ी, अच्छे लुक में। ये देखें लाइट वाइट पूरी लाइट है, मिरर, इंडिकेटर। बम्पर की बात करें तो बम्पर वगैरह की कंडीशन अच्छी है, ब्रेकेज कोई नहीं है। तो ये लुक है भाई। इसकी अगर हम डोरियों मोरियों की बात करें तो डोरियों की कंडीशन आप देखें। अच्छा माउंटेन का लुक, तो भाई माउंटेन वगैरह का लुक भी हमारा बड़ा प्यारा है। बैटरी कंडीशन भी ओके बता रही है भाई, तो बैटरी का लुक भी हमारा ओके। अच्छा जी फ्रंट पट्टी चेक कर लेते हैं। ये देखें भाई फ्रंट पट्टी वगैरह का लुक, कॉशन स्लिप अभी तक लगी हुई है। साइड से अगर हम बात करें तो डोरियों ओरियों की कंडीशन वो भी अच्छी है। अच्छा बात कर लेते भाई माउंटेन की, माउंटेन का लुक देखें तो ये सारे पंचेज वगैरह आपको ये तीनों नज़र आएंगे। इस साइड से भी चेसिस का लुक दिखा देते हैं, तो चेसिस का लुक देख लें हम। अच्छा अब हम बात करते हैं भाई नंबर की, टिकली की और बैटरी का लुक। तो बैटरी में कोई किसी किस्म का कोई रस मुझे गाड़ी में नज़र नहीं आ रहा, प्यारी कंडीशन में गाड़ी है। अभी हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस हमारी माशाल्लाह जो है इस गाड़ी की 17,50,000 रुपये है। बाकी हम इसमें भी आपको जो है ना डिस्काउंट कर लेंगे, 20-30 हज़ार जो भी होगा अपने कस्टमर के साथ। लेकिन गाड़ी ये है कि गाड़ी ये बहुत प्यारी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, जिससे हमने लिए उसी के नाम पे थी, उसी ने निकलवाई थी और उसी के पास अभी तक थी। हमने अभी उससे ली है गाड़ी, और गाड़ी में इंजन भी अपना है। माशाल्लाह से गाड़ी में कोई काम नहीं है, क्योंकि एक हाथ पर चली हुई गाड़ी आपको पता है कि कैसी होती है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं ऑल्टो VXR 2005 का मॉडल। माशाल्लाह से बहुत प्यारी गाड़ी है, बाहर से पूरी शावर है, अंदर से जेनवन है गाड़ी, और सिल्वर कलर में गाड़ी है। माशाल्लाह नई सीटें लगी हुई हैं, इंजन इसका बिल्कुल ओके, वाटर ड्रॉपिंग इंजन, एसी इसका ऑन है, और उसके अलावा टायर भी माशाल्लाह नए हैं इस गाड़ी के। इस गाड़ी में कोई काम नहीं है, जैसे फैमिली यूज्ड कार है, जो भी ले इसको चलाता रहे। और प्राइस मैं इसकी बताऊँगा तो प्राइस बहुत मुनासिब है, लेकिन प्राइस मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप गाड़ी देख। चलिए जी गाड़ी देख लेते हैं भाई। तो देखिए भाई रूफ वूफ, अच्छा विंड स्क्रीन वगैरह बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म की कोई ब्रेकेज इस गाड़ी में नहीं है। अच्छा अगर हम बात करें भाई अपना फ्रंट की, तो फ्रंट की कंडीशन भी हमारी बहुत प्यारी है, देख सकते हैं आप भाई ये लुक है। अच्छा
माशाल्लाह प्यारे लुक में, कोई यानी कि किसी किस्म का मुझे इसमें कोई अभी फिलहाल डेंट वेंट नजर नहीं आ रहा है गाड़ी में, तो अच्छा लुक है। फेंडर की बात करें तो फेंडर का लुक टाइट, टायर माशाल्लाह 100% ग्रुप देख ही सकते हैं, व्हील कैप पे गाड़ी है। अच्छा बात करते हैं हम फुट बैरी की, तो फुट बैरी का लुक भी बहुत प्यारा है। आ जाते हैं डोर की बात कर लेते हैं, तो भाई फ्रंट डोर बैक डोर देखते हुए चलते हैं हम इधर, देखते हैं कंडीशन गाड़ी की। तो ओके लुक में गाड़ी मुझे नज़र आ रही है भाई। ये हो गया हमारा जनाब फेंडर वगैरह का लुक, टायर का लुक तो वो भी ओके। अच्छा लाइटें वगैरह, बम्पर की कंडीशन ओके हमारी। अच्छा बैक स्क्रीन की बात करें तो बैक स्क्रीन का लुक भी अच्छा है, कोई ब्रेकेज नहीं है। छत भी दिखा दें आपको इसी बात पर, तो छत का लुक। उस साइड चलते हैं, उस साइड से भी चेक कर लेते हैं गाड़ी हमारी क्या कह रही है। तो व्यूअर्स इस साइड से गाड़ी का लुक देख ले भाई, फेंडर वगैरह का लुक तो माशाल्लाह मुनासिब लुक में। अच्छा छत और जनाब पिलर वगैरह का लुक, तो पिलर का लुक ये है। साइड से फेंडर वगैरह देखते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, टायर 100% ये देखिए भाई। अच्छा ये हो गया भाई हमारा डोर। अच्छा फुट बैरी की बात करें तो फुट बैरी वगैरह का लुक भी हमारा अच्छा है, बैक डोर वगैरह ये हो गया बैक डोर। अच्छा जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ से बैक का लुक दिखाऊँ तो भाई ये देखते हैं बैक लुक हमारा ये है। इंजन देखते हैं, इंजन क्या कह रहा है गाड़ी का वो भी दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स ये चेक कर ले भाई, इंजन खुल गया, डोरियों वगैरह का लुक, माउंटेन का लुक, तो माउंटेन का लुक भी हमारा बड़ा ओके कंडीशन में। अच्छा अब हम बात करते हैं भाई, ये देखें फ्रंट पट्टी की कॉशन स्लिप विलिप लगी हुई है, सब ओके की रिपोर्ट है। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं भाई साइड से डोरियों की, तो डोरियों की कंडीशन देख सकते हैं, माउंटेन देखें, माउंटेन वगैरह का लुक भी हमारा नॉर्मल है। इस गाड़ी को भी सिर्फ सबसे सर्विस की ज़रूरत है, कंडीशन प्यारी है। अच्छा अभी ये देखें भाई बैटरी का लुक, ये रस्ट कोई नहीं है कोई खास, सही है ओके लुक में। अच्छा तो भाई ये लुक ड्राई बैटरी इसमें लगी है, एक सेफ्टी केज भी लगा हुआ है, तो सिर्फ एक सर्विस चाहिए गाड़ी को, प्यारा लुक है। व्यूअर्स अब देखते हैं भाई डोर वोर चेक कर लेते हैं, अंदर से इंटीरियर दिखाते हैं आपको। इंटीरियर भी इस गाड़ी का बड़ा प्यारा है, तो ये देख सकते हैं दरवाजों के पर्दे वगैरह, पिलर के मामला, तो भाई पिलर के मामला ये हैं कि देख लें आप, अच्छा ही लुक है। अच्छा ये देखें। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की, डैशबोर्ड की, तो भाई स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन, डैशबोर्ड वगैरह का लुक, तो डैशबोर्ड का लुक भी इसका ओके। आदिल भाई एसी चल रहा है इसका? तो भाई एसी वेसी ऑन है, और जो सिस्टम लगा वो भी चल रहा है घरेलू भाई, सिस्टम विस्टम भी चल रहा है। हम बात करते हैं मेन सीटों की, सीटें देखें आप, बहुत प्यारी सीट्स भाई ने तैयार की हैं भाई, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, तो मैटिंग वैटिंग तकरीबन प्रॉपर तरीके से हुई है। डोर पिलर और जनाब छत, छत की कंडीशन तो ये देख लें आप। अच्छा पिछला डोर भी खोलता हूँ, तो भाई ये देखें। अच्छा बहुत प्यारा लुक, मुनासिब लुक, ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए भाई पंचेस वंचेस हर चीज़ ओके। अच्छा अब ये हमारा हो गया भाई, ये पर्दे दरवाज़ों के, पिलर। अच्छा गोले भी दिखाएंगे, तो भाई गोले वगैरह की कंडीशन ये देख सकते हैं आप, ओके लुक में गाड़ी है। अच्छा बैक सीट देख लें भाई, प्यारा कॉम्बिनेशन है भाई, मैटिंग हुई हुई है। अच्छा बैक डोर, फ्रंट डोर, ये जनाब डैशबोर्ड, तो डिटेल ले लेते हैं आदिल भाई से। 2005 के अल्टो VXR आपने देख ली, कंडीशन माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। उसके अलावा इसकी प्राइस की मैं बात करता हूँ, बहुत मुनासिब प्राइस है इसकी, 5.5 लाख रुपए इसके बिल्कुल फाइनल हैं। और उसके अलावा गाड़ियाँ इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वीडियो में मुझे पता है कि लंबी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, और काशिप भाई को भी थोड़ी जल्दी है, तो आखिर में थोड़ा सा इंट्रो करते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे इंशाल्लाह। देख लें आपको हम बाहर से लोकेशन बता रहे हैं, हमारे शोरूम की नाम भी आ जाएगा इसमें, सारे नंबर भी हैं, वैसे हम खुद भी बता देते हैं, ताकि जो है ना पिछली वीडियो में भी दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा काशिप भाई को तंग किया था कि नंबर चाहिए आदिल भाई का, तो हम नंबर खुद बता देते हैं इस बार आपको। मेरा अपना नंबर जो है पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप और कॉल दोनों यही है, 03132576505 ये मेरा नंबर है, एक बार फिर बता देता हूँ, 03132576505 ये मेरा कॉल नंबर है, ठीक है। आदिल भाई लोकेशन एक बार समझा, लोकेशन एक बार फिर समझा देते हैं आपको, ख्वाजा अजमेर नगरी, सेक्टर 5C3R1, नॉर्थ कराची, अल हबीब मोटर्स, ये हमारी बिल्डिंग जी, बिल्कुल सीधी पावर हाउस, पावर हाउस जाती है ये वाली, जिस पे हमारा शोरूम बना हुआ, ये रहमानिया मोड़ और बाबा मोड़ जाता है, ये अंडा मोड़ से आ रही है, सीधा अंडा मोड़ से सामने से ये रहमानिया मोड़ आ रही है सर जाने। तो भाई ये लोकेशन है। अच्छा आदिल भाई जो आप ऑफर बता रहे थे वही बता दें, ऑफर तो हमारी लगी हुई है माशाल्लाह से, 5 सर्विस फ्री देंगे हम, जो भी हमसे गाड़ी लेगा। पिछली गाड़ी एक दी थी, लेकिन काशिप भाई हमारे डीले पड़ जाते हैं, इनको मैंने बुलाया कि आप आ जाएं वीडियो बना दें, मसरूफ था भाई, हमारे गेस्ट आए हुए हैं,
दूर से काफी डीजी खान से आए थे, उन्होंने हमसे गाड़ी खरीदी, हमने उनको ऑफर भी दी लेकिन वीडियो नहीं बन सकी उसके लिए माजरत। मैं ये कह रहा हूँ डीलर पर नहीं था, मसरूफ था, इंशाल्लाह अगले उसमें आप मुझे बुलाएंगे, कोशिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल हम बुलाएंगे आपको और उसके बाद हम वीडियो में लाजमी लाएंगे अपने दोस्तों को जो भी हमारे आते हैं। तो व्यूअर्स फाइनली गाड़ियाँ देखते हुए चलते हैं, हम आपको गाड़ियाँ दिखा देते हैं क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी इमरजेंसी थी, आदिल भाई के पास आया तो था लेकिन ये कि थोड़ा सा कुछ काम हो गया, ज़रूरी बना इंशाल्लाह आपको और गाड़ियाँ भी दिखाते हैं। तो ये सिलसिला गाड़ियाँ माशाल्लाह जी बिल्कुल दिखाते हैं, ये सारी एक बार वीडियो में सारी लिया है, बाकी जो भी डिटेल्स कोई पूछेगा तो इंशाल्लाह कॉल पे और व्हाट्सएप पे हम रابطہ ज़रूर करेंगे और उनको रिप्लाई भी मिलेगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है बस वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह, और सब अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।